Hi friends, I am Stuti from eVidyarthi. Aaj hum karenge illustration number 19, page number 21.28 of the book T.S. Grewal. Ye question hai calculation of cost of goods consumed ka. To start karte hai. Illustration number 19. How are the following cases dealt while preparing final accounts of National Club for the year ended March 31, 2017? Year end हो रहा है March 31, 2017, यानी हमारा accounting year है 2016-17. Receipts and payments account का extract given है. इसमें लिखा है, 2 sales of sports material, Rs. 13,000, जिसकी book value given है 10,000, यानी 3,000 rupees का हमें profit हुआ है, 13,000 जो sale price है and 10,000 जो उसकी face value है, माइनस करेंगे आएगा 3000 जो कि प्रॉफिट का अमाउंट है. बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल रुपीस 30,500, यानी ये जो अमाउंट है ये हमने क्रेडिटर्स को पे किया होगा. बाय कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल रुपीस 5000, यानी ये वो परचेजेस हैं स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की वो परचेजेस हैं जो हमने कैश में करी है. आगे बढ़ते हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन. Stock of sports material as at April 1, 2016, Rs. 10,000. As at 31st March 2017, Rs. 12,500. Creditors for sports material as at April 1, 2016, Rs. 3,500. As at 31st March 2017, Rs. 17,500. So, the 1st April ki figure is our opening balances hai, aur jo 31st March 2017 ki figures hai, wo hamare closing balances hai. Start karte hai question. Stock of sports material 1st April ko hai 10,000, yani hamara opening stock hai rupees 10,000. 31st March ko stock of sports material hai rupees 12,500. Creditors for sports material in the beginning of the year hai 3500 as at 1st April 2016. Creditors as at 31st March 2017 hai 7500 rupees. Aage ki information pe work karte hai. Receipts and payments account mein given hai 2 sales of sports material 13,000. Sale of consumable goods जो होता है, उसे हम अपने format में purchases और opening stock में से subtract करते हैं, क्योंकि ये कुछ हमने sell कर दिए हैं, यानी हमारे stock में से कम हो गए होंगे. अब stock में से कम हो गई है, तो हम उसे subtract करेंगे. But कौन सी figure पे subtract करेंगे? 10,000 या फिर 13,000? देखते हैं. इस format में हम calculate कर रहे हैं cost. और क्योंकि हम cost कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी फिगर आएंगी हम सब एड कॉस्ट लेंगे. सेल ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स. कंज्यूमेबल गुड्स की जो सेल हुई उनकी कॉस्ट क्या थी? 10,000 रुपीस. तो हम यहाँ पे जो फिगर लेंगे वो 13,000 नहीं 10,000 लेंगे, क्योंकि हम एड कॉस्ट लेते हैं. क्लियर? और जो 3000 रुपीस का प्रॉफिट है, यानी 13000 माइनस 10000, का जो प्रॉफिट है वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट, तो ये हमारी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. क्लियर? ये पॉइंट था जो इस क्वेश्चन में डिफरेंट था, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट 30,500, यानी ये 30,500 रुपीस हमने क्रेडिटर्स को पे करे हैं, तो आएगा टू बैंक अकाउंट 30,500 रुपीस. बाय कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी जो कैश में परचेज हुई है. हमने बात करी थी कि परचेजेस में दो परचेजेस आती हैं, एक होती है कैश परचेज और एक होती है क्रेडिट परचेज.
क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, इसलिए वो हम निकालेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट से, ये फिगर। बट कैश परचेजेस की फिगर हमें गिवन है, तो क्योंकि कैश परचेजेस की फिगर हमें गिवन है, हम उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। कैश परचेजेस है रुपीज 5000, बट ये सिर्फ कैश है, अभी हमें क्रेडिट ढूंढना है, तो हम क्रेडिट फिगर ढूंढते हैं। एडवांस की इस क्वेश्चन में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं लेंगे। सारी फिगर्स हो गई, अब हम इस फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम परचेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका टोटल करेंगे 38,000 में से 3500 लेस करेंगे तो आएगा 34,500। ये है हमारी क्रेडिट परचेजेस। इन क्रेडिट परचेजेस को हम लेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के लिए 34,500। टोटल फिगर यहाँ पे कितनी आएगी, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, टोटल परचेजेस कितनी है 39,500। 10,000 का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस सेल्स ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब इस फिगर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करिए। 10,000 प्लस 39,500 लेस 10,000 लेस 12,500, कितनी फिगर आएगी यहाँ पे 27,000। क्लियर। अब हमारे पास एक और काम बचता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, तो बनाते हैं। इस अकाउंट को अगेन मैं रख कर रही हूं, आई होप आपने ये देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर, इनकम, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड होता है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंस आएगा एक्सपेंडिचर साइड में टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। हमारी कितनी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, 27,000, तो यहां आएगा 27,000। अब एक और चीज आएगी इस क्वेश्चन में, हमने बात करी थी कि जो सेल ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स है वो प्रॉफिट पे हुई है, और प्रॉफिट की फिगर भी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये आ जाएगी इनकम साइड पे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना है रुपीज 3000। क्लियर। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। एज ऑन 31st March 2017, और ये भी एक एक्सट्रैक्ट, लाइबिलिटीज असेट्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने असेट्स और कितनी लाइबिलिटीज है देखते हैं। स्टॉक हमारा असेट होता है, तो ईयर एंड में 31st मार्च 2017 को हमारा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 7500 रुपीज, और 31st मार्च 2017 को क्रेडिटर्स कितने हैं, 12,500।
और जो क्रेडिटर्स हैं वो है 7500। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है लाइबिलिटी साइड में आ गए, स्टॉक असेट है असेट साइड में आ गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कोई और असेट या लाइबिलिटीज है या नहीं। नहीं है, हमारे पूरे क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये था एक और इलस्ट्रेशन जिसमें हमने एक स्पेशल पॉइंट सीखा, सेल ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।